हमीरपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा क्षेत्र में कमियों को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी जितेंद्र सांजता के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इकाई सचिव अनुज पटियाल की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द मांगों को पूरा करने की मांग की। इकाई सचिव अनुज पटियाल ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्याओं के बारे में प्रदेश सरकार व शिक्षा मंत्री को अवगत करवाया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय और तकनीकी विश्वविद्यालय में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति नहीं की जा रही है, तो वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला के पास स्थायी भवन का निर्माण नहीं हुआ है। साथ ही SC ST छात्रवृत्ति जल्द बहाल की जाए, HPU में परीक्षा परिणाम में आ रही अनियमितताओं को शीघ्र सुधारा जाए, इसके अलावा JBT कमीशन में JBT छात्रों को प्राथमिकता दिए जाने की प्रमुख उनकी मांगे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज पूरे प्रदेश भर में SDM और DC को शिक्षा के क्षेत्र में आई कुछ समस्याओं से अवगत कराकर उनको ज्ञापन पत्र सौंपा। इसमें कुछ निम्नलिखित समस्याएं इस प्रकार हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय और क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी में जहां पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई है, विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में जहां पर स्थायी भवन का कार्य निर्माण अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। SC ST की जो छात्रवृत्ति